ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस थ्री टू द पावर फाइव एक्स प्लस फोर, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस एट टू द पावर फोर, और ये क्या हो गया, एक्स माइनस टू इज़ लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। अब हमें करना क्या है, इस एक्स इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। गिवन तो ये था ना क्वेश्चन में, तो इसको हमने मैनुपलेट करके इस इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है बट फॉर्म डिफरेंट है। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा वो एक्स का वैल्यू इसे भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले तो सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, जितने भी लीनियर फंक्शन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हर एक लीनियर फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें रूट मिला है ना उसको नंबर लाइन पे लिखा। ठीक है, अब नंबर लाइन पे लिखा तो सबसे छोटा रूट क्या मिलेगा, माइनस फोर, तो माइनस फोर यहां लिख लिया। उसके बाद क्या है, एक मिनट क्वेश्चन, ठीक है, माइनस फोर यहां हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस फोर के बाद क्या मिलेगा, टू, तो टू यहां लिख लिया। टू के बाद क्या मिलेगा, थ्री, थ्री यहां लिख लिया, फिर एट यहां लिख लिया। अब बताओ इवन पावर किस पर है, ये फोर पर एट, तो यहाँ क्रॉस कर दिया। एट के क्रॉसपॉन्डिंग इवन पावर यहीं से आया ना, इवन पावर इस पर है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग रूट क्या मिला हमें, एट, तो एट पर क्रॉस कर दिया। अब बाकी इन तीनों पर तो ऑड पावर है तो कहीं क्रॉस नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट हैंड साइड पे बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। फिर एट को क्रॉस करेंगे, एट के नीचे तो क्रॉस है तो फिर साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव आ गया। फिर थ्री के नीचे क्रॉस तो नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ गया। फिर टू के नीचे क्रॉस तो नहीं है, फिर साइन चेंज होगा, पॉजिटिव आ गया। फिर माइनस फोर के नीचे क्रॉस तो नहीं है, फिर साइन चेंज होगा, निगेटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे कि मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर से जो एक्स का वैल्यू आ रहा है ना उसको हमेशा रिजेक्ट कर दो हर एक क्वेश्चन में, बिकॉज उस पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो हमारा ऑन द होल एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर से एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एट एंड टू, तो एट को भी हटा दिया। तो एट को कैसे हटाया, ओपन सर्कल लिख दिया। टू को भी हटा दिया, टू को कैसे हटाया, ओपन सर्कल लिख दिया, हट गया। अब यहां पे इक्वल्स टू जीरो भी है। ठीक है, तो इक्वल्स टू जीरो कब आएगा, जब हमारा न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर किस एक्स के वैल्यू के लिए जीरो होगा, एक तो थ्री के लिए जीरो होगा, एक तो माइनस फोर के लिए जीरो होगा। तो माइनस फोर को हमने ऐसे क्लोज ऐसे सर्कल लगा दिया, बिकॉज ये माइनस फोर जो है ना हमारा आंसर में है। फिर थ्री पर हमने क्या किया, ऐसे क्लोज सर्कल लगा दिया, क्यों, बिकॉज माइनस थ्री भी हमारा आंसर में है। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिख लो, क्लियर है ना ये बात, अब फाइनल आंसर लिख लो। आंसर में क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। हमें इसे अब सॉल्व करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज ये और ये एक ही बात लिखा हुआ है, एक ही एक्सप्रेशन है, बस फॉर्म डिफरेंट है। तो अब मैं इसे सॉल्व कर लूं, इससे जो एक्स का वैल्यू आएगा वही सेम एक्स का वैल्यू इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आंसर निकाल लेते हैं, क्या बोला है, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। तो लेस देन किस पर है हमारा, एक इस इंटरवल पे है, एक इस इंटरवल पे है। जीरो किस पर है, माइनस फोर पर है, थ्री पर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर, माइनस फोर को भी पे क्लोज रखेंगे बिकॉज माइनस फोर भी हमारा आंसर में है। उसके बाद यूनियन क्या होगा, टू से थ्री के बीच में, निगेटिव है, बट टू पे हमें क्या करना होगा, ओपन रखना होगा, क्यों, बिकॉज टू पर, टू जो है हमारा वो आंसर में नहीं है, तो टू पे हमने ओपन रख लिया। और यहां पे आ गए थ्री, और थ्री पर हमने क्लोज रख लिया, क्यों, थ्री पर क्लोज रख लिया, बिकॉज थ्री जो है हमारा वो आंसर में है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं रैंडम, एक ऐसे तो हमारा ये जो पेज नंबर 33 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो पीडीएफ मैंने दिया है ये कंप्लीट हो गया। चलो बट फिर भी मैं एक और क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, सॉल्व, मान लो ऐसे है, एक्स माई एक्स प्लस नाइन क्यूब और ये एक्स प्लस फाइव टू द पावर टू और ये है एक्स माइनस वन पे पावर थ्री अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वन बाई टू और यह है x माइनस सिक्स इज लेस देन, या फिर तुम इसको एक काम करो, यहां माइनस एक्स माइनस टेन डाल लो और यहां पे क्या डालो तुम, माइनस एक्स प्लस फाइव डाल लो और यहां पे तुम ऐसे डाल लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसको चेक करेंगे कि क्या ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो देखा हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, एक्स प्लस माइनस ए के फॉर्म में हो, एक्स का जो कॉफिशेंट हो वो या तो वन हो, ये एक्स का कॉफिशेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो यहां से हमने एक्स का कॉफिशेंट को वन बनाने के लिए क्या किया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, एक्स प्लस नाइन का क्यूब रहने दिया। यहां से हमने क्या किया कि एक्स के कोफिशिएंट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, अंदर में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव इसका होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं ना इसको, और इसको मैंने क्या लिखा, एक्स माइनस वन का क्यूब, और यहां से एक माइनस बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टेन, ठीक है, और ये क्या हो गया, एक्स प्लस वन अपॉन टू, और ये क्या हो गया, एक्स माइनस सिक्स, और ये क्या हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हमने क्या किया कि इसको तुम ऐसे देखो, यहां पे हमने क्या किया, इसको तुम ऐसे देखो, ठीक है, आई होप विजिबल है। अब इसको मैंने क्या लिखा, x प्लस नाइन का क्यूब, ये तो पता है कि ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस फाइव का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, x माइनस वन का क्यूब, और ये नीचे रह गया एक माइनस ऑफ x प्लस टेन, और ये क्या हो गया, x प्लस वन बाई टू, और ये क्या हो गया, x माइनस सिक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस नाइन क्यूब, x माइनस फाइव का होल स्क्वायर, x माइनस वन का क्यूब, और ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस टेन, और ये क्या हो गया, x प्लस वन बाई टू, और ये क्या हो गया, x माइनस सिक्स, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब फाइनल क्या है हमारे पास कि अब ये जो लिखा हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी लीनियर फैक्टर्स लिखे हैं, ये सारे लीनियर फैक्टर्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो ये था, ठीक है, बट अब हमें सॉल्व किसे करना है, इसे करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब यहां से हमने क्या किया कि न्यूमरेटर से जितने भी फैक्टर्स हैं उसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो रूट आएगा, डिनोमिनेटर से जितने भी फैक्टर्स हैं उसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो रूट आएगा उसको हमने नंबर लाइन पर लिख लिया, ठीक है। तो सबसे छोटा रूट कहां से आएगा, सबसे जो छोटा रूट है यहां से आएगा, माइनस टेन, वो लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट छोटा रूट कौन सा आएगा, माइनस नाइन, तो वो ये लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा, माइनस वन अपॉन टू, यहां लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा, वन, वन के बाद क्या आएगा, फाइव, फाइव के बाद क्या आएगा, सिक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो रूट डिनोमिनेटर से आ रहा है उसको तो पहले हटा दो, तो डिनोमिनेटर से कौन सा रूट आ रहा है, माइनस टेन, हटा दिया। फिर क्या आ रहा है, माइनस वन बाई टू, हटा दिया। फिर क्या आ रहा है, सिक्स, सिक्स को भी हटा दिया, ये हट गया। उसके बाद क्या है कि इवन पावर किस पर है, एक इस पर है, टू पर, तो टू इसके क्रॉसपॉन्डिंग रूट क्या आ रहा है, फाइव, तो फाइव के नीचे क्रॉस कर दिया। अब यहां पे इक्वल्स टू जीरो भी है, इसका मतलब क्या है कि जो रूट न्यूमरेटर से आ रहा है वो भी वैलिड होगा, तो रूट न्यूमरेटर से कौन सा आ रहा है, माइनस नाइन, तो ये वैलिड होगा, इस पे हमने ऐसे क्लोज सर्कल बना दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, न्यूमरेटर से रूट फाइव, तो ये भी वैलिड होगा, तो इसके लिए हमने ऐसे क्लोज सर्कल बना दिया। उसके बाद रूट क्या आ रहा है, न्यूमरेटर से वन, ये भी वैलिड होगा, तो यहां भी हमने क्लोज ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया, अब हम यहां से आंसर लिखेंगे। सिक्स सबसे बड़ा रूट है, तो इसके राइट हैंड साइड पे हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आएगा, सिक्स के नीचे क्रॉस नहीं है तो माइनस हो जाएगा, फिर फाइव के नीचे क्रॉस है तो ये माइनस ही रहेगा, वन के नीचे क्रॉस नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टी, माइनस वन अपॉन टू के नीचे क्रॉस नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर माइनस नाइन के नीचे क्रॉस नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर माइनस टेन के नीचे क्रॉस नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने साइन स्कीम लिख लिया, ये जो लिखा है ना हमने साइन स्कीम लिया है, लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो चाहिए, तो ग्रेटर देन यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस टेन को नहीं लेंगे तो माइनस टेन पर ओपन, माइनस नाइन ले लेंगे इस पर हम लोग क्लोज्ड यूनियन। उसके बाद यहाँ भी एक पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, माइनस वन अपॉइंट टू छोड़ दिया, वन ले लेना होगा, तो वन पे हमने क्या किया, ऐसे क्लोज बना दिया। अब यहाँ से एक सिक्स अपॉइंट फाइव, एक ये नंबर, एक फाइव छूट गया, तो हमने क्या किया, यूनियन, एक सिंगलेटन सेट फाइव बना लिया,
ठीक है, फिर यूनियन क्या लिया हमने, 6 से लेके 6 तो लेंगे नहीं, तो 6 से इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार और आंसर लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू इस इंटरवल पे आ रहे हैं, तो इस इंटरवल पे क्या है, माइनस 10 को नहीं लेंगे, माइनस 9 ले लेंगे तो उस पर क्लोज बना लिया। फिर यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, माइनस 1/2 नहीं लेना है तो माइनस 1/2 पे ओपन, 1 को ले लेना है तो 1 पे क्लोज। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 6 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 6 को लेना नहीं है तो 6 पर ओपन से इन्फिनिटी। एक बीच में 5 छूट गया, 5 तो लेना है ना, इस पर एक सिंगलटन सेट हमने ऐसे 5 बना लिया, तो यही हमारा नेट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, अगर कोई डाउट इसमें रह गया तो पूछ लेना। और मैं क्या करूँगा, अभी मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन का सेट भी सेंड कर दूँगा साथ में, तुम्हारा क्या है वो होमवर्क है, उसे तुम सॉल्व करके जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी ना तो उसका सॉल्यूशन तुम्हें भेजना है, ठीक है, और फिर मैं भी उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा, तुम उससे अपने सॉल्यूशन को मैच करा लेना। ओके।